हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। ए वीडियो आज आम जनरल साइंस रो किसी क्वेश्चन देखा। आगर जो पार्ट वन पार्ट टू आमर एनिमल हस्बेंड्री किसी बेसिक क्वेश्चन देती से गुड़ा स्टूडेंट्स बहुत पसंद करते तो रिक्वेस्ट आसाला कि मैक्सिमम वीडियो बनातु तो तार आज पार्ट फोर वीडियो नहीं आस जनरल साइंस रो जो थे आम किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करवा। चलो स्टार्ट करा कौन सब क्वेश्चन रही। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहला द एंड प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज यार एंड प्रोडक्ट कौन रोचे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एक्चुअली कौन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है एक्चुअली या को हमरो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी कहते मन रखिए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी या को कहा जाए जो थे आम यहाँ आम गोटे कौन एन एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ आम गोटे एन एरोबिक रेस्पिरेशन जो थे आम ऑक्सीजन रो आवश्यकता न था जो थे आम ऑक्सीजन आवश्यकता न था आम एन एरोबिक रेस्पिरेशन कह जाए। तो यहाँ है कौन आम गोटे आम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो क्या जो थे आम सुगार कौन हुए सुगार कन्वर्ट हो आम इथाइल अल्कोहल जो क्या आम इथानॉल भी कहुए इथाइल अल्कोहल से कन्वर्ट होता है सीटा सुगार कन्वर्ट हो कौन देता है इथाइल अल्कोहल आउ सीओ टू देता है मन रखिए इथाइल अल्कोहल आउ सीओ टू देता है जो थे आम का द्वारा यहाँ ये होता है कि बैक्टीरिया ईस्ट द्वारा आम यमर प्रोसेसटा होता है मन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से कहला बेंजीन इज ए पॉलीमर ऑफ बेंजीन को कहार पॉलीमर आम या कह जाए एसिटिलीन कह जाए एसिटिलीन एक्चुअली कौन एसिटिलीन या भी आम आउ गोटे ना भी दिए ऑप्शन जो देव एसिटिलीन दे न इथिन भी दे थो मन रखिए इथिन दे थो। तो बेंजीन रो जब पचार दे बेंजीन एक्चुअली कौन सी सिक्स केमिकल फॉर्मूला सी सिक्स एस सिक्स आज आम इथिन कि एसिटिलीन पचार देला यार हूँ आम सी टू एस टू मन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज ए फ्यूल एथे आम कौन यूज होता है यूरानियम यूज होता है मन रखिए न्यूक्लियर रिएक्टर आम यूरानियम यूज होता है एज ए फ्यूल मन रखिए। तापर क्वेश्चन नंबर फोर कहला द डिवाइस यूज फॉर लोकेटिंग सबमर्ज ऑब्जेक्ट अंडर सी इज आमर जो समुद्र भितर जो किसी जिनस रही है ताको लोकेट करिया को डिवाइस यूज होता है आम एटा सोनार डिवाइस यूज होता है सोनार एक्चुअली जब फुल फॉर्म पचार दिए साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग यार राइट आंसर होची सोनार सोनार रो फुल फॉर्म होला साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग मन रखिए। तापर से कहला फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा फॉर्मूला कौन आम बेकिंग सोडार फॉर्मूला है एन एस सीओ थ्री जोटा को कह जाए केमिकल नेम होचे सोडियम बाइकार्बोनेट आ जदि हमर पचार देला से बला वॉशिंग सोडा है एन ए टू सीओ थ्री जहाँ को हमर कह जाए सोडियम कार्बोनेट मन रखिए तापर से कहला द फास्ट मेटाल यूज बाय मेन वाज फास्ट मेटाल कौन यूज होता है कॉपर यूज होता है मन रखिए। तापर क्वेश्चन नंबर सेवेन कहला द एसिड इन गैस्ट्रिक जूस इज एसिड गैस्ट्रिक जूस एसिड कौन था हाइड्रोक्लोरिक एसिड था मन रखिए। तापर से कहला मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी इज मेजर कंपोनेंट हनी रो मेजर कंपोनेंट कौन आम हनी रो बहुत सारा रही है कंपोनेंट जो फ्रुक्टोज है ग्लुकोज है माल्टोज है अदर सुगर भी रही है बट आम मेजर कंपोनेंट है फ्रुक्टोज मन रखिए। तापर क्वेश्चन नंबर नाइन कहला आम स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इन आम एटा कौटे आम कोलोइडल सॉल्यूशन है हमरो एटा है थे जोटा कि आम जो प्रोसेस अब आम या कहुए कौन स्कैटरिंग लाइट एक्सप्लेन कोलोइडेशन यही प्रोसेसटा को आम टिंडल इफेक्ट भी कहुए मन रखिए बहुत बार आसे क्वेश्चन टिंडल इफेक्ट मन रखिए। तापर से क्वेश्चन कहला व्हिच इज यूज इन स्टोरेज बैटरी कौन यूज होता है आम लीड यूज होता है जोटा कि आम पीबी कहुए सेटा यूज होता है मन रखिए। तापर से कहला द गैस इज कमनली यूज इन एनेस्थेसिया एनेस्थेसिया को गैस यूज कराए आम कमनली नाइट्रस ऑक्साइड यूज कराई था मन रखिए। तापर से कहला क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व बैक्टीरिया हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क यार राइट आंसर हो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया सेटा कौन करे मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड्रे आम कौन ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड सेटा आम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आम मिल्क को कर्ड्रे कन्वर्ट करता है मन रखिए आम लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन आम मिल्कटा आम कर्ड्रे कन्वर्ट होता है मन रखिए। स्टेनलेस स्टील कंटेन्स कौन स्टेनलेस स्टील कौन कंटेन करें आयरन क्रोमियम निकल कर मन रखिए। तापर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन कहला बाइल इज स्टोर इन बाइल्टा कौट स्टोर होता है
बाइलटा आम गॉल ब्लाडर स्टोर होता है। बाइल बाइल जूस किए ये करें सिक्रेट करता है लिभर करता है मन रखिए भेरी भेरी इंपोर्टेंट बाइल जूस सिक्रेटेड बाय बाय लिभर एंड स्टोर्ड इन कौटी गॉल ब्लाडर मन रखिए। तो स्टूडेंट्स आपको कही दूँ कि जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना जो जदि आप वीडियो भल लगुच तो चैनल सब्सक्राइब करा भूलिवे लाइक सब्सक्राइब शेयर करा भूलिवे। नेक्स्ट देखिए कौन क्वेश्चन रही से कहला इफ ए बॉय इज सिटिंग इन ए ट्रेन व्हिच इज मूविंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रो ए बॉल स्ट्रेट अफ इनटू द एयर द बॉल विल से कौन हम आम जिते गोटे मूविंग ट्रेन में बस आम से ट्रेन भितर ऊपर को फिंगुं गोटे बल से फल इन टू द हैंड हम मन रखिए सेटा जीवन कुआडे एड सैड हेनी मन रखिए जेहतु आम कन्स्टांट वेलोसीटी आम जाऊँगा अफवर्ड फिंगी। तो 16 नंबर क्वेश्चन है इट इज इजियर टू कैरी टू बकेट्स ऑफ वाटर इन वन हैंड इज देन टू कैरी ओनली वन इन वन हैंड बिकज आम जिते मन बेले बेले आप एक्सपीरियंस भी थी आप गोटे हाथ में जब बाल्टी धरिकी जाऊँ बेस कष्ट होता है दी हाथ में जदि नि कम कष्ट लगे सेटा कौन होता है एक्चुअली सेंटर ऑफ ग्राविटी एंड सेंटर ऑफ इक्विलिब्रियम आमर से काम करता है आमर दुटा जाक मझीरे आम पड़ता है आम से फल विदिन द फिट से आमर से इजियर हुए दुईटा बाल्टी टेकिकी ने आमर कम कष्ट होता है मन रखिए। तापर से क्वेश्चन कहला फॉर ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म मोशन कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी जदि गोटे बॉडी मूव कर एक्सेलरेशन आम कौन रोचे एक्सेलरेशन आम जीरो थी मन रखिए भेरी भेरी इंपोर्टेंट जो आम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कि यूनिफॉर्म मोशन में आम मूव कर एक्सेलरेशन आम जीरो रोज भेरी भेरी इंपोर्टेंट मन रखिए। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कौन द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होती है कलम मन रखिए। तापर से कहला सेविंग मिरर आम कनकेव आउ कनभेक्स रू आम बहुत सारा एग्जांपल रू क्वेश्चन आता है तो सेविंग मिररटा कौन आम हो कनकेव लेंस। तापर से कहला आमर आउ किसी जिनस कहीदेवि कनकेव्र किसी एग्जांपल देदेवि कनकेव कौट यूज होता है आम देखि हेडलाइट है कि टर्च है कनकेव्र है हेडलाइट टॉर्च रे यूज होता है भी तापर आमर डेंटिस्ट यूज करथांती डेंटिस्ट यूज करथांती आमर सेविंग मिरर गोटे सेविंग मिरर ए सब आमर कनकेव लेंस आमर कनभेक्सटा कौटा कनभेक्सटा आम व्हीकल मिरर है आमर आमर मैग्निफाइंग ग्लास है कि सनग्लासेस है स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर है युवा कनभेक्स यूज होता है मन रखिए। तापर से कहला व्वेन ए रनिंग कार स्टॉप सडनली द पैसेंजर्स टेंड्स टू लीन फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ आमर जिते देखूँ बसटा मूव करता है बसटा आमर जिते मूव करता है होल बॉडी आमर कौन होता है आमर स्टेट इन मोशन में थाए बट बसटा जिते स्टॉप हुए आमर लोअर पार्ट आमर गाड़ी आमर सी रेस्ट को पलि आए बट अपर पार्टा आमर रिमेन्स इन मोशन थाए तो से कौन कम कै इनर्सी अफ मोशन मोशन अफ इनर्सी आम कम करता है से बसटा सडन स्टॉप जाऊ सडन स्टॉप हो गले आम तल पार्टा आमर कन्स्टांट होगी थाए बट आमर ऊपर पार्टा आमर मूव करता है से आग को झुकी जाइ तापर से कहला ए पाराचुट डिसेंड स्लोली हायर इज ए स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट फॉल्स रैपिडली बिकॉज आम देखूँ जो गोटे आमर पथर फिंगा होता आम बहुत स्पीड में पलै आसुच्छी कितु आम पाराचुटा धीरे धीरे आसता है कौन पाई आमर पाराचुट है लार्जर लार्जर सरफेस एरिया एंड एयर रेजिस्टेंस इज मोर से आमर से धीरे धीरे तौक खसता है बट स्टोनटा जल्दी खसता है स्मलर सरफेस एरिया स्टोनटा जल्दी तौक खसता है बट आम पाराचुटा लार्जर सरफेस एरिया तार एयर रेजिस्टेंस भी अधिकार होता है से धीरे धीरे खसता है मन रखिए कन्फ्यूज हेनी। तापर से कहला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए मॉडरेटर न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर में आम कौन मॉडरेटर से यूज होता है आम हेवी वाटर को आम मॉडरेटर यूज कराई है हेवी वाटर कौन यहाँ आम हेवी वाटर है D2O मन रखिए। तो से कहला द मेटल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल इज मेटल कॉन्स्टिट्यूएंट क्लोरोफिल आम कौन मैग्नीशियम मन रखिए। तार क्वेश्चन नंबर 24 कहला द हेयर ऑफ सेविंग ब्रश क्लींस टुगेदर व्वेन द रिमूव रिमूव फ्रॉम वाटर ड्यू टू एटा कौन पाई है द हेयर ऑफ सेविंग ब्रश क्लींस टुगेदर व्वेन रिमूव फ्रॉम वाटर ड्यू टू यहाँ आम सरफेस टेनसन होता है मन रखिए।
तापर 25 नंबर क्वेश्चन कहे द इंपोर्टेंट ऑफ इंपोर्टेंट ओर ऑफ एल्युमिनियम कौन आम बॉक्साइट मन रखिए इंपोर्टेंट ओर ऑफ एल्युमिनियम है बॉक्साइट मन रखिए यहाँ आगुरी बहुत बार भी आसी क्वेश्चन मन रखिए तापर टी आगे जो कहे आम हेवी वाटर कथा 26 नंबर क्वेश्चन हेवी वाटर इज ए फॉर्म ऑफ वाटर दैट कंटेन्स ओनली सी कौन एक्चुअली कंटेन्स क्या ड्यूटेरियम मन रखिए हेवी वाटर आम फॉर्मूला D2O ड्यूटेरियम आम हो से ओनली कंटेन करता है तापर सी गला 27 नंबर क्वेश्चन कहे सी गला द स्पून ड्रॉप फ्रॉम एन एस्ट्रोनॉट इन ए सैटेलाइट विल से कौन होता है आम कंटिन्यू टू फॉलो द मोशन ऑफ द सैटेलाइट मन रखिए तापर सी गला व्हेन ए प्रेशर इज इनक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज एटा डिक्रीज होता है मन रखिए प्रेशर इनक्रीज आम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस टाइम डिक्रीज होता है मन रखिए स्प्रेयर फंक्शंस आर बेस्ड ऑन स्प्रेयरटा आम कौ प्रिंसिपल फंक्शन करता है बर्नौली प्रिंसिपल आम फंक्शन करता है मन रखिए स्प्रेयरटा आम बर्नौली प्रिंसिपल फंक्शन करता है मन रखिए तापर से गला क्वेश्चन ए पर्सन इज हॉट ऑन किकिंग ए स्टोन ड्यू टू सेटा कौन पाई रिएक्शन पाई होता है देखिथिबे आमर एठी आमर न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई हुए जो थरे आमर कहा जाए कि एवरी रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जो कहता है सेटा आमर न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई होता है जो थरे आमर ए पर्सन इज हॉट ऑन किकिंग इन स्टोन ड्यू टू आमर रिएक्शन तार राइट आंसर होची रिएक्शन तो स्टूडेंट्स आज पाई ये जदि आपण वीडियो सीरीज गुड़ा भल लगुच प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे भूलिनी जो थी कि आम सब्सक्राइब कि लाइक शेयर कले आमको गोटे मोटेसन मिलूँ कि आम ताकि आउ जो कम कर आज पाई ये देखा हो नेक्स्ट वीडियो थैंक यू।